और वेलकम बैक टू अ न्यू स्टडी व्लॉग। जस्ट शोइंग यू क्या बुरी कंडीशन हो गई है मेरे स्टडी टेबल की, बिकॉज माई एग्जाम्स वर गोइंग ऑन, तो सारा फोकस रिवाइज करने पे था, तो सब कुछ ऐसे ही रह गया। बिकॉज आज से स्टार्ट हो रही है मेरी क्लासेस, सो आई हैव टू क्लीन एवरीथिंग। वन बाय वन मैंने सब कुछ हटाना स्टार्ट किया, एंड लेट मी टेल यू व्हाट आई फाउंड। दिस काजल, जिसे मैं लिटरली 3 महीने से ढूंढ रही थी। दिस प्रोसेस वॉज सो मच टाइम टेकिंग, इसमें मुझे लिटरली 2 घंटे लग गए, इंक्लूडिंग सब कुछ हटाना एंड देन अगेन अरेंज करना। आई एम थिंकिंग टू रिमूव ऑल दिस बुक्स फ्रॉम माई डेस्क, एंड ये ऐसा कुछ बेड दिख रहा था जब सब कुछ मैंने बेड पे रखा था। इन A4 साइज के पेपर्स में मैं करती हूँ आंसर राइटिंग, सो वो सब कुछ अरेंज किया नंबर वाइज, कैसे कब किया है उस अकॉर्डिंग। स्टेपलर करके रैक में रख दिया, बिकॉज ये सारी कॉपीज अभी इवेल्यूएशन होकर आएंगी, एंड देन मैं देखूंगी क्या कैसे मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ। जस्ट लुक एट दिस ब्लैक डायरी जो मुझे PWONLY IS की स्टार्टर किट में मिली थी, एंड टुडे आई हैव डिसाइडेड सिर्फ मैं उन्हीं कॉपी बुक्स को रखूंगी जो मुझे अभी पढ़नी है, बिकॉज स्टडी टाइम पे जितना कम सामान दिखे, अननेसेसरी चीज़ें नहीं हो, उतना अच्छा होता है। एंड दिस इज़ बिफोर एंड आफ्टर सिनेरियोज, क्वाइट बी लुकिंग क्लीन। सो नाउ इट्स 11 o'clock, और अभी मेरा प्लान है जस्ट टू सिट एंड स्टडी, बिकॉज मेरी कल वाली क्लास रह गई थी। वो इसलिए रह गई थी बिकॉज मेरी क्लासेस का कुछ अपडेट नहीं मिला था मुझको, सो इसलिए बची है। वो क्लास मुझे करनी है, देन उसके बाद 1 बजे से अगेन मेरी लाइव क्लास है। सो स्टार्ट करते हैं क्लास करने से और फिर बताती हूँ। आफ्टर सो मेनी डेज आई एम राइटिंग दिस टू डू लिस्ट, एंड ये इसलिए बिकॉज आई थॉट इसके बिना पता नहीं मैं करूँ या ना करूँ सारी चीज़ें, तो स्टक दिस पेपर इन टू दिस DIY मेड रिमाइंडर। आई सेट डाउन टू स्टडी एंड स्टार्टेड विद यस्टरडेज क्लास। अब भी हमारे बैच में स्टार्ट हो चुकी है ऑप्शनल्स की क्लासेस, तो कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ना था, हिंदी ऑप्शनल मैंने लिया है, उसकी भी वीडियो आई है मैंने कैसे अपना ऑप्शनल चूज़ किया, तो वो देख सकते हो। दिस वॉज द फर्स्ट क्लास बेस्ड ऑन टोटली जस्ट बेसिक्स, ने हमें सारा कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताया, क्या कैसे पढ़ना है, क्या सिलेबस है, एंड मैं फालतू में नोट्स लेकर बैठ गई थी कि शायद कुछ सर ऐसा बता सकते हैं जो नोट करना हो, बट ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने जस्ट 1.5 के स्पीड में पूरी क्लास सुन ली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आई कैन इम्प्रूव इन माय वीडियोज़, बता दो प्लीज़, बिकॉज मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। हाँ, शायद मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, बट अब वॉइस तो ऐसी हो सकती है, मैं क्या करूँ। क्लास हो गई है, एक शॉर्ट अपलोड करना था तो वो हो गया है, और अभी मैं जा रही हूँ लंच करने, फिर मिलते हैं उसके बाद और फिर क्लास करते हैं। लंच में था राजमा चावल एंड आई एंजॉयड, देन अगेन आई सेट डाउन टू स्टडी, बिकॉज अब थी तुरंत क्लास मेरी, जिसमें मैं पहले से लेट हूँ आई नो, बट स्टार्टेड, और लाइव से बैक जाकर मैंने पूरी क्लास की, और मैं ये नोट्स लेके बैठी थी, बट पता नहीं क्यों मेरा दिमाग काम किया एंड मैंने नोट्स ही चेंज कर दी कि मैं उसमें नोट्स नहीं बनाऊंगी, अब मैं इसमें बनाऊंगी। सो स्टार्ट किया, नोट्स बनाई, क्लास की पूरी अच्छे से, एंड हिंदी लिटरेचर आई थिंक मज़ा आ रहा है मुझे अभी पढ़ने में, एंड देर इज़ अ पॉइंट कि मुझे अब नहीं लग रहा कि कोई और सब्जेक्ट मुझे हिंदी लिटरेचर से ईजी लग सकता था। बहुत सही सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया आई थिंक, एंड इन फ्यूचर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा मैं बोर होऊंगी, बिकॉज इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ने हैं, बहुत सारे नहीं मतलब 3-4 नॉवेल्स पढ़ने हैं, और बोर तो नहीं होने वाले इस सब्जेक्ट से। आज ही मैंने ये सारा कुछ साफ़ किया, तो एटलीस्ट आज के लिए तो फिर से सब कुछ अरेंज करके रखना इज़ मैंडेटरी, एंड देन बिकॉज अब भी आज थोड़ा काफ़ी दिन बाद मैं पढ़ने बैठी थी, तो
आई हैड अ स्ट्रेंथ कि मैं रेगुलर पढ़ती जाऊँ. तो 3 बजे तक तो मेरी क्लास हुई, देन मैंने स्टार्ट किया मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करना चैप्टर 1 से, बिकॉज मैंने अभी तक बुक से नहीं पढ़ी थी मॉडर्न हिस्ट्री, मैं सिर्फ क्लास करती थी. तो अब मैंने सोचा है कि मैं डेली एक या हाफ चैप्टर जितना मुझसे हो पाएगा मैं डेली कुछ ना कुछ पढ़ूंगी बुक से मॉडर्न हिस्ट्री की. आई स्टार्टेड डूइंग दैट. और इस चैप्टर में तो जस्ट 8 to 10 pages थे, तो इतना तो कर सकती थी मैं. तो ये मैंने पूरा चैप्टर कर लिया एंड जो पॉइंट्स मुझे सही लगे, जो अभी तक मेरे नोट्स में नहीं थे कुछ बुक्स एंड ऑथर्स के, तो वो सारे कुछ नोट कर लिया मैंने एंड कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए. Finally, I completed this chapter and my next plan was to do current affairs classes. But उसके पहले मैंने 15 मिनट का ब्रेक लिया बिकॉज बहुत टाइम से मैं जस्ट बैठ कर पढ़ रही थी. तो आती हूँ फिर. As I already told you in my previous videos, मेरा अटैम्प्ट अभी नहीं है. तो अभी सिर्फ मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस जो देवेंद्र सर की PWOIAS पर होती है वो सिर्फ सुनती हूँ एंड बस इतना ही करती हूँ. एंड उसमें जो लास्ट में 3 questions वो देते हैं वो देख लेती हूँ, हाँ मेरे सही हो रहे हैं, मतलब मैं ध्यान से पढ़ रही हूँ. वॉट डू यू प्रिफर कमेंट्स में बता देना. इट्स 5 o'clock और अभी करंट अफेयर्स की क्लास कर ली हूँ, तो अभी मुझे बहुत तगड़ी वाली नींद आ रही है बिकॉज करंट अफेयर्स की क्लास करते करते और ज़्यादा नींद आने लगती है. तो अभी मैं 15 minutes या मे बी हाफ एन आवर का नैप लूँगी, अलार्म लगा लूँगी तभी उठ सकती हूँ, नहीं तो नहीं उठ पाऊँगी. सो मिलते हैं उसके बाद. उठ गई हूँ और अब भी हो गए हैं 5:30, 5:35 o'clock और अभी मेरे 2 targets बचे हैं. फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कशन एंड सेकंड इज सीसेट का थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, तो वो दोनों करूँगी और फिर उसके बाद आज की पढ़ाई वहीं समाप्त होगी. सो स्टार्ट करते हैं. सिंपली मैंने सुनी एडिटोरियल डिस्कशन की क्लासेस जो डेली बेसिस पे मैं इस टाइम रेगुलर मैंने अपनी हैबिट बना ली है वो सुनती हूँ एंड नोट्स कुछ नहीं बना रही हूँ बिकॉज मुझे नहीं लगता अभी से नोट्स, मैं 3 साल बाद मेरे ये नोट्स काम आएंगे बहुत ज़्यादा और इतना सारा कुछ नहीं रख सकता कोई इंसान. तो सिर्फ सुनती हूँ ये क्लासेस एंड जस्ट इनफ है. अगर अभी तुम्हारा भी अटैम्प्ट बहुत टाइम बाद है एंड ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, टीचर्स ऐसा बोलते हैं, तो मैं जस्ट वही बता रही हूँ. फिर मैंने खाया टेढ़े मेढ़े एंड फिर से बैठ गई पढ़ने. अब सी सेट का मुझे बहुत सारी DPP सॉल्व करनी थी, बहुत पुरानी जो थी, तो स्टार्टेड ये सारी इतनी सारी DPPs करनी है मुझे एंड देन अब मैं जस्ट शो कर रही हूँ मैंने सारी कर ली है बिकॉज बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो जाती फिर एंड ये रफ जो मैंने यूज़ की थी. डन विद आज की पढ़ाई, थोड़ा सा टाइम था उसको किया वेस्ट और फिर किया डिनर, फिर खेले कुछ वीडियो गेम्स एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. वीडियो कैसी लगी है बता देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.